टोटली ऑफ रोड जा रहा हूँ मैं, साथ में लेते हुए फिर निकलूँगा आगे गाइस। कंटिन्यू एडवेंचर है, मुझे और जगह नहीं अच्छा नहीं लगता कि मैं हर ब्लॉग में आपको बताते हुए आ रहा हूँ। वॉगिंग है वो सही जगह से और बढ़िया कर देखते हैं। वैसे तो कई बार आया हूँ मैं यहाँ हैं गाइस, यहाँ से आज आएंगे साथ में फिंडारी तक, एडवेंचर को हम दिखाते रहेंगे। तो ये है अभी इसी तरह का एडवेंचर, काफ़ी दिनों तक बार एक एडवेंचर और ये है। यहाँ से ऊपर तो पूरा सोलो एडवेंचर, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे गाइस, अपने आप रहते हैं। बैठो अच्छा के साथ, कोई कुछ नहीं कर रहा, बैठो बैठो याद आएगी वहाँ पे। और बहुत मस्त नज़ारा भी है गाइस, इसके साथ साथ कहीं पे भी टूट सकता है। मैं अभी दिल्ली से ही आया, इंदापुर से, फिर से आधे घंटे का रास्ता और है हमारा वहाँ पहुँचने के लिए। जाएंगे एकदम नई जगह पे, वहाँ की नई जगह की नई ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं गोविंद टाकुली एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में, जो कि हाई माउंटेन एडवेंचर सोलो ट्रैक में। तो अभी मैं हूं अंडाफोड़ में। तो आज मैं चला था काफनी से पिंडारी के लिए, एकदम टोटली ऑफ रोड जा रहा हूं मैं अभी। तो अभी थोड़ा सा मौसम हल्का सा खुला हुआ था यहां पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं हाई माउंटेन के। तो यहाँ से पार में आप देख सकते हैं, मुझे जाना है उसी पार में उधर को, और मैं जाऊँगा इधर से, फिर वहाँ पर से एक साथी है मेरा, तो उससे साथ में लेते हुए फिर निकलूँगा आगे। आज चेपड़ा होते हुए पिंडारी ग्लेशियर में। और तो गाइस कंटिन्यू एडवेंचर है, जैसे ही मार्च अप्रैल शुरू होता है तो मेरा यहाँ पर जो एडवेंचर है वो शुरू हो जाता है कंटिन्यू इसी तरह से। तो एक किक मिलती है गाइस इस एडवेंचर से, और जो सुकून है यहाँ पे, जो मज़ा है, शायद मुझे और जगह नहीं अच्छा नहीं लगता। तो कितना बड़ा मस्त नज़ारा है गाइस यहाँ से, बहुत ही मस्त। और बाकी जो बादल हैं वो धीरे धीरे सारे गदेरों में भरते जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ भी देख पाना मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से चलने के लिए गाइस आपको या मेरे को किसी को भी रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि यदि आप इस तरह का हाई माउंटेन ब्लॉग करते हैं, एडवेंचर करते हैं आप यदि कभी इस तरह का, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं भटक गए ऐसे रास्ते में तो फिर गाइस भटकते रह जाओगे। तो मेरी सलाह है कि इस तरह के हाई माउंटेन में सोलो तो अवॉइड करें, यदि आपको उस जगह के बारे में पता नहीं है तो अवॉइड करें कि उस जगह पर ना जाएं, और यदि जाए तो किसी एक्सपर्ट के साथ ही जाएं कि जो तुम्हें ठीक ठाक जगह पर पहुंचा सके और सही जगह से आपकी कैंपिंग और आपका जो ट्रैक है, जो आपकी जो ब्लॉगिंग है वो सही जगह से और बढ़िया करके करवा सके। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं यहाँ से, आगे मिलते हैं वहाँ पे, शायद ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतज़ाम होगा मेरे लिए। मेरे जो साथी लोग हैं वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि नाश्ता वगैरह बनाएंगे हम तुम्हारे लिए, तो वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से आगे का फिर आपको दिखाते हैं गाइस, मिलते हैं। गाइस मेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से
एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम चलते हैं फिर से यहाँ से एक और नए एडवेंचर की तरफ, क्योंकि कल यहाँ तक आए थे, तो यहाँ से अब निकलते हैं अगले एडवेंचर की तरफ। तो फिर से मिलते हैं आपको हाई माउंटेन में। थैंक यू गाइस, फिर से मिलते हैं। यहाँ पे हैं बकरी वाले, और पहले रहते थे वो यहाँ आगे गुफा में। तो अब पानी टपकता होगा, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है अपना। तो अब रह रहे हैं वो वहाँ पे, पहले रहते थे यहाँ पे। तो लगता है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा टपक रहा था, तो इस वजह से शिफ्ट कर दिया उन्होंने आगे। आज का एडवेंचर है, पहला एडवेंचर, इस चट्टान को पार करना, इस पर क्लाइंबिंग करना। तो देखते हैं, वैसे तो कई बार आया हूँ मैं यहाँ से, पर अभी बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन हो रखी है। तो देखते हैं गाइस, यहाँ से आज जाएंगे हम अंडा फोड़, और जाएंगे साथ में फिंडारी तक एक ही दिन में। तो इस तरह के एडवेंचर को हम दिखाते रहेंगे। तो ये है आज का पहला एडवेंचर, जिसमें कि इस रॉक पे क्लाइंबिंग करनी है गाइस मेरे को। वाओ, क्या मस्त हो रखा है गाइस। तो बाकी मौसम का हाल आप देख ही रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है गाइस। और फिलहाल एक बार इस रॉक को करते हैं क्लाइंब, इसमें फिर जाके है आज का एडवेंचर कुछ इस तरह से। तो देखते हैं, इसमें से पानी भी टपक रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा फिसलन ज़्यादा हो जाती है। अभी इसी तरह का एडवेंचर काफ़ी दिनों तक चलने वाला है गाइस। तो देखते हैं किसी तरह से इसको पार करते हैं। तो जैसे ही ये पार होता है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। काफ़ी एडवेंचर है आज, पूरा दिन एडवेंचर से भरा हुआ है, हर जगह इसी तरह का है आज, पूरा एडवेंचर ही एडवेंचर। तो गाइस, बयाली गैर में देखो पूरी हरियाली छा चुकी है, मस्त वाली। और अभी हमारे जो हाई माउंटेन ब्लॉक हैं वो काफ़ी बड़े हैं। अभी काफ़ी दिनों तक आपको हम इसी तरह का एडवेंचर दिखाते रहेंगे। चलो फाइनली गए, यहाँ तक तो पहुँच गया, अब यहाँ से ठीक ठाक है। तो आगे का एडवेंचर दिखाते हैं आपको आगे जाके। तो गाइस, अभी भी बहुत एडवेंचर शेष है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो एक बार एक एडवेंचर और ये है, यहाँ से ऊपर को पहुँचना है। बहुत भयंकर वाला सीन है, साथ में अभी तक सोलो हूँ, तो कुछ देर के बाद एक साथी मेरे को ज्वाइन करेगा अंडा फोड़ से, तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए।
क्योंकि एक से पहले दो तो कल का जो ब्लॉग था वो तो पूरा सोलो एडवेंचर था, तो आज कोशिश करी मैंने कि एक साथी लेने की, तो भाई को बोला है कि मेरे साथ चलेगा तो तैयार हो गया था। तभी फिलहाल करते हैं गाइस एडवेंचर को पार, फिर उसके बाद आगे तो एडवेंचर ही एडवेंचर हैं गाइस। चलो ये उड़ रहे हैं मोनाल। गाइस ये है जिंदा कीड़ा, ये कीड़ा घास होता है तो उसका जिंदा वाला कीड़ा ये है, सेम इसी तरह का होता है। जो फंगस वाला कीड़ा होता है तो उसका जो जिंदा वाला कीड़ा है वो ये है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, पहली बार ही आप देख रहे होंगे जिंदा यारसा गंबू। चल जा तू, आप जिंदगी जी ले अपनी। देखो पक्षी के छोटे छोटे चूजे हैं, यहाँ रास्ते में दो हैं, एक ये भी है, तो हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे गाइस, अपने आप रहते हैं। ये देखो बहुत छोटे छोटे हैं, बढ़िया वाले। जंगल में इनकी भी जान है गाइस। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दे, अपने आप रहता है। बस बैठो बैठो, एक साथ कोई कुछ नहीं कर रहा, बैठो बैठो, अभी आ जाएगी मम्मी, आएगी तुम्हारी, बैठो। आज का एक और एडवेंचर है ये, बहुत बढ़िया वाला, देख सकते हैं ऊपर से अब मस्त वाले झरने आ रहे हैं, बड़े मस्त वाले देख सकते हैं। और हमें जाना है इसी वाटरफॉल के पास से, जो ये वाटरफॉल आ रहा है उसी के पास से हमको गुजरना है। बीच में थोड़ा सा स्नो है इस वजह से बढ़िया हो रहा है, ये तो आप देख सकते हैं गाइस, बहुत भयंकर वाला सीन है यहाँ पे। और बहुत मस्त नज़ारा भी है गाइस, इसके साथ साथ एकदम गजीरा है, उधर से देख सकते हैं मस्त वाला वाटरफॉल है, और ऊपर से भी है, नीचे भी पूरा गजीरा है भरा हुआ। आज का बड़ा मस्त वाला, क्या कह सकते हैं इसको, एडवेंचर कह सकते हैं गाइस, बढ़िया वाला एडवेंचर है। बहुत तेज हवा आ रही है, इससे ये वाटरफॉल है उससे चला गाइस। बुग्यालों में आज थोड़ा सा धूप दिखाई दे रहा ऊपर से, और बाकी बहुत बढ़िया मस्त वाला सीन हो रखा है। और अब रास्ते में पहुंच चुके हैं, तो अब रास्ते रास्ते ही निकलेंगे हम आगे अपना डेस्टिनेशन तक, तो बहुत मज़ा आएगा गाइस आपको इस तरह का एडवेंचर एंड थ्रिल ब्लॉक आप पहले बार ही देख रहे होंगे। किस तरह का बुग्याल हो रखा है गाइस, बहुत मस्त वाला नज़ारा। ऊपर का देखो, कहीं कहीं पे बर्फ है ऊपर वाले उसमें, और बाकी नीचे एकदम ठीक है गाइस। खतरनाक हो रहा है यहाँ पे, ये बर्फ़ कहीं पे भी टूट सकता है, मैं अभी मरते मरते बचा हूँ, टूट गया था गाइस अभी वहाँ पे बर्फ़, और मैं बहुत नीचे तक धंस गया था, मेरा पांव नीचे तक चला गया था। तो आज के दिन में एडवेंचर ही एडवेंचर हो रहे हैं गाइस, इधर से भी ये पत्थर भी गिर सकता है। बाल बाल बच गया मेरा पांव। तो गाइस आज का एडवेंचर होता है यहीं पे समाप्त हमारा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एडवेंचर करके हम वापस आ चुके हैं महेश्वर में। आज अंडा फोड़ से
और मैं आया था 42 से, ये आया अंडाफोर से, और बहुत ज़्यादा एडवेंचर करते हुए अब पहुँच चुके हैं लगभग अपने अड्डे में। यहाँ से मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता और है हमारा वहाँ पहुँचने के लिए। फिर वहाँ पहुँचते हैं और खाने पीने की तैयारी करते हैं। फिर कल जाना है हमको एक और दूसरे डेस्टिनेशन पे, नई जगह पे जाएंगे, एकदम नई जगह पे, और वहाँ के नई जगह के नए ब्लॉक फिर आपके लिए बना के ले आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें नोमैडिक टॉकली ब्लॉक।